निशा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएसआई में जो मूल विधि और संविधान साथ ही सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो उसका सिलेबस है उस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे इस पूरे पोर्शन से 40 क्वेश्चन आने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इसका भारतीय दंड विधान एवं दंड संहिता। इसको कहते हैं कि भारतीय दंड संहिता, जो जिसकी शुरुआत जो है 1860 में की गई है, और ये दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगला टॉपिक है महिलाओं बच्चों अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि संरक्षण आदि को संरक्षण संबंधी विधिक प्रावधान। तो इसमें मुख्य रूप से फोकस हमको इस बात पे करना है कि जो महिला है, जो बालक है और जो अनुसूचित जाति है, इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान देना है, इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान देना है। क्या तीसरा, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण। तो यहाँ भी जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम है, ये अधिनियम 1986 का है, जिसमें पर्यावरण से संबंधित संरक्षण की बात करता है। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखेंगे। साथ ही वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जो 1972 में अधिनियम आया हुआ था, उसमें संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे हम देखेंगे अपने यूपीएसआई के टॉपिक में। जो अगला जो है हमारा टॉपिक है मानवाधिकार संरक्षण जनहित याचिका एवं महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। तो यहाँ पे जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की बात करेंगे। यहाँ हमको 93 का जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हमको देखना है मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित। अगला है जनहित याचिका और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। तो न्यायिक निर्णय में देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो मुख्य रूप से डिसीजन देता है उसकी बात हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे अनुच्छेद 141 की बात अगर करें तो उससे संबंधित है, उसके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। अगला है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में लाया गया था और उसको उसके प्रावधानों को हम देखेंगे। अगला है आईटी अधिनियम एवं साइबर अपराध कौन कौन से हैं, कैसे हैं, कैसे होते हैं, उससे संबंधित क्या प्रावधान है संविधान में, इसको देखेंगे। अगला है आयकर अधिनियम एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। तो भ्रष्टाचार जो ये आयकर अधिनियम है ये 1961 में लाया गया है, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो 1988 में लाया गया था उसके बारे में भी डिटेल में हम देखेंगे यहाँ पे। यातायात नियम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1981 में जो कानून बना था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत, इसको देखेंगे। अभी जो लेटेस्ट में कुछ इसमें अपडेट हुआ है इसको भी देखेंगे। अगला जो हमारा लास्ट है भूमि सुधार भूमि अधिग्रहण एवं भू राजस्व संबंधी कानून का सामान्य ज्ञान। तो यहाँ पे हमको जो भूमि सुधार है, भूमि का जो अधिग्रहण किया जाता है, साथ ही जो भू राजस्व संबंधी कानून बनाए गए हैं, संविधान में उल्लेख है इनका, उनके बारे में हमको सामान्य जानकारी यहाँ पे लेना है। सामान्य जानकारी के स्तर पे हमारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये 8 टॉपिक हैं मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान से। तो इसके बारे में हम एक एक टॉपिक करके हम इस पर डिस्कस करेंगे अगले आने वाले वीडियो में। यहाँ पे हम सिलेबस ये 40 क्वेश्चन के जो सिलेबस मूल विधि का है उसका हम डिस्कस कर लिए हैं। आगे हम इसके टॉपिक फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे भारतीय दंड संहिता दंड विधान एवं दंड संहिता, जिसको 1860 और 1973 में लाया गया था। तो ये रहा मूल विधि से संबंधित इसके सिलेबस। हमें उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।